How to grow your business fast? मेरी किताबों में CCM का मतलब है पहले calculation है, फिर comparison of rate है, फिर manipulation है। manipulation business जो है manipulation को आप negative word मत समझो। manipulation का मतलब है आपने किसी तरीके से manage करना है। दोस्तों राजवान सिंह मौर्य प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में स्वागत। और आज का जो टॉपिक है हाउ टू ग्रो योर बिजनेस फास्ट, अपने बिजनेस को कैसे बुलंदियों पर लेके जाना है, उसके लिए फार्मूला ये जो CCM मैं अपनी ट्रेनिंगों में पढ़ाता हूं अपने YouTube चैनल पे। ये दो तो मैं समझता हूं रियल सेट में काम आएंगे ज्यादातर, और ये मैनिपुलेशन का ये हर जगह पे काम है। यदि आप उस फार्मूले को लगा के अपने बिजनेस को मैनेज कर सको तो ही बिजनेस आपका ग्रो कर सकता है। आज मैं बात करने वाला हूं एक बेल्जियम के नागरिक की जिसका नाम है एरिक बोस्टमैन। ये बंदा कौन है एरिक बोस्टमैन? ये ऐसा आदमी है जो बेल्जियम में रह रहा है और शराब के कारोबार में एक्टिव है, कारोबार में सक्रिय है। तो शराब के कारोबार में सक्रिय है तो इसको इसने देखा कि जो हाई क्लास सोसाइटी है वो विस्की जो पीती है या स्कॉच पीती है, बहुत हाई टेस्ट हाई लेवल की पीती है, तो उसको क्या वाकई हाई लेवल की पीते हैं या कुछ हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसने वहां से एक कहते हैं 2.5 यूरो, वहां यूरो चलता होगा, 2.5 यूरो की शराब ली, उसको नया लेबल लगा दिया। शराब पुरानी शराब वही है, उसको नया लेबल लगा के नई बोतल में डाल के उसका नाम जो है नाम रख दिया चेटाऊ कोलंबियर। चेटाऊ कोलंबियर नाम रख दिया उसका, मतलब ये ब्रांड ही अलग बना दिया। जबकि वाइन कौन सी है? वाइन ऑर्डिनरी वाइन है जो इसने 2.5 यूरो की ली, उसको रख के इसके उसमें उसने प्रचार किया। मार्केटिंग के बिना कोई बिजनेस नहीं, मार्केटिंग कर दी उसकी कि ये तो बहुत बढ़िया है। और उसके बाद फिर इसने उसको इंटरनेशनल वाइन टेस्टिंग कंपटीशन में भेज दिया, इंटरनेशनल वाइन टेस्टिंग कंपटीशन में भेज दिया, और वहां इसकी शराब जो है गोल्ड मेडल जीत लिया इसने। तो पुरानी शराब वही है, प्रेजेंट करने का ढंग इस तरह इतना बढ़िया कर दिया इसने, कॉन्फिडेंस झूठ इतना मतलब बोला कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि लोगों सामने वाले को सच लगने लगे, मतलब है झूठ है कि ये शराब तो वही है जो बिल्कुल इसने ठरा टाइप ली है जो ऑर्डिनरी वाइन है, वो लेके उसको नई बोतल में डाल के अपने झूठ के सारे कॉन्फिडेंस के सारे इंटरनेशनल वाइन टेस्टिंग कर उसमें भेज दिया, कंपटीशन में भेज दिया, और वहां वो गोल्ड मेडल जीती। और आप समझ सकते हो जिसका प्रोडक्ट इंटरनेशनली गोल्ड मेडल जीत ले तो वो कहां जा सकता है। सो दोस्तों ये मैनिपुलेशन है। तो उसने मतलब लोगों को मूर्ख बनाया, जजेस को मूर्ख बना दिया, पता नहीं किस तरीके से। नटवर लाल भी तो हम नटवर लाल का नाम तो सुना है हमने, इंडिया के ही है मिस्टर नटवर लाल, तो उन्होंने भी तो मतलब कई लोगों को ऐसे चुना लगाया। इस बंदे ने भी इस तरीके से काम करा। मैं इसको नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ नहीं कहता, ये आपके ऊपर छोड़ा, आप इसको नेगेटिव कमेंट में लिखना भी ये बंदा नेगेटिव है, इसके ऊपर हम इसकी इससे कुछ सीखने को मिल सकता है या नहीं मिल सकता, या इसको बिल्कुल ही नहीं सीखना, इसके देखना चाहिए ऐसा नहीं बनना, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिस बंदे ने बिजनेस में मैनिपुलेशन सीख लिया वही बंदा सबसे ऊपर जाता है। सो इस बंदे ने अपना जो फार्मूला है वो ऐसे तरीके से लगा दिया कि सामने वाले बंदे जो जजेस थे उनकी आंखों में भी धूल झोंक। तो
सिंपल बात यह है कि बिल्कुल जीरो से हीरो बन गया बंदा सिर्फ मैनिपुलेशन के ऊपर। ये मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन के सिर के ऊपर जीरो से हीरो बन गया। आपने मैनिपुलेशन जरूर सीखनी है, इसके बारे में मैं जरूर आपको बताता हूं। मेरी ट्रेनिंगों में, मेरी किताबों में मैनिपुलेशन के बारे में बार बार जिक्र आता है। मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मैनिपुलेशन का बार बार जिक्र आता है। मैनिपुलेशन का मतलब है अच्छे तरीके से आप मैनेज करो, किसी तरीके से मैनेज हो जाए आपका, तो आप बिजनेस में ग्रो कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और चर्चा करना इसके ऊपर। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होऊंगा, तब तक आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दें। बहुत जल्द आपके सामने, थैंक यू वेरी मच।